हेलो प्यारे बच्चों बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8 मैथ्स की प्रश्नावली 2.4 इसके क्वेश्चंस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्नावली है ये। पहला प्रश्न है, अमीना एक संख्या सोचती है ना। और देखो, ये आपके एक चर वाले रैखिक समीकरण हैं, तो उसमें उस चर को हम एक्स मानेंगे। वेरिएबल को क्या मानेंगे? हम एक्स मानेंगे, क्योंकि वो संख्या हमको पता नहीं है ना, तो उसका मान कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम उसको एक्स मान लेते हैं। तो अमीना एक संख्या सोचती है, माना वो संख्या एक्स मान ली मैंने, है ना। वह इसमें से 5/2 घटाकर, अब उस संख्या में से 5/2 घटाएगी तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 5/2 हो जाएगा। फिर उस परिणाम को 8 से गुणा करती है, तो जो एक्स संख्या ली उसमें से 5/2 को घटाया तो एक्स माइनस 5/2 हो गया, और उसको किससे गुणा किया? 8 से गुणा किया, है ना। तो जब वो 8 से गुणा करती है, अब जो परिणाम मिलता है ना, एक्स माइनस 5/2 गुणा जो 8 है, वो जो परिणाम मिला उसको, वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। तो सोची गई संख्या क्या थी? एक्स। और एक्स की तिगुनी क्या हो गई? 3x। तो जो संख्या ये निकली एक्स माइनस 5/2 गुणा 8, उसको किसके बराबर कर देंगे? 3x के बराबर कर देंगे। तो एक समीकरण मिल जाएगा हमको, है ना, एक चर वाला रैखिक समीकरण मिल जाएगा, और उससे हम उसको सॉल्व करके वो संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करता हूँ। तो माना वह संख्या क्या है? एक्स है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि एक्स में से क्या घटाया? 5/2 घटाया, और उसको किससे गुणा किया? 8 से गुणा किया। 8 से गुणा कर दिया ना मैंने इसको, और वो जो संख्या प्राप्त हुई वो मूल जो संख्या है ना, जो सोची गई संख्या है उसकी कितनी है? 3 गुनी है। तो बन गया ना, देख लो कितना आसान है समीकरण बनाना, है ना। अब इसको गुणा कर दो, 8 को x से गुणा किया तो 8x हो गया, प्लस को माइनस से करेंगे, माइनस 8 × 5/2 बराबर क्या हो गया? 3x। तो ये हो गया 8x, और 2 से कितनी बार कट गया? 4 बार। -20 इक्वल टू 3x, पक्षांतरण कर दिया मैंने, तो 8x माइनस के 3x, और ये माइनस कभी से धरा के किसका हो गया? प्लस का। तो ये कितना हुआ? 5x इक्वल टू 20। तो x बराबर क्या आ गया? 20/5, तो इक्वल टू 4। तो वो संख्या क्या है? 4 है ना। देखो, आप इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हो, है ना, कि ये कह रहा है उस संख्या में से 5/2 घटाया, तो 4 में से क्या घटाया? 5/2 घटाया, ठीक है। और उसको किससे गुणा किया? 8 से गुणा किया, ठीक है ना। तो वो कितना आना चाहिए? उस संख्या का 3 गुना आना चाहिए। तो संख्या क्या है? 4 है, तो 3 गुना आना चाहिए उसका, 12 आना चाहिए ये, है ना। देखो, ये जब इसमें से ये 8 हो गया है ना, और 2 लघुत्तम आ गया, 4 × 8 माइनस 5 है ना, इक्वल टू 12 आना चाहिए। तो देखो, 8 गुणा ये कितना हो गया? 3/2, तो ये हो गया 4, तो 4 × 3 = 12 ना। ये करने की जरूरत नहीं है, बस मैं समझा रहा हूँ आपको कि इस तरह से वेरीफाई चेक करके भी हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्नों में हमें इसे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है? देखो, दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है ना। दो संख्या मान ली मैंने, एक पहली संख्या और एक दूसरी संख्या, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि एक संख्या जो है वो दूसरी की क्या है? 5 गुनी है। तो एक अगर एक्स है तो दूसरी कितनी हो गई? 5x हो गई, नहीं हो गई उसकी 5 गुनी, है ना। तो एक संख्या को अगर मैं एक्स मान लूंगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 5 गुनी हो जाएगी, ठीक है, 5x हो गई। अब ये कह रहा है प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, अब दोनों में 21 जोड़ा, तो ये तो क्या थी? x थी, और ये क्या थी? 5x थी। दोनों में 21 21 जोड़ा, तो इसमें 21 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? 5x + 21। इसमें जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? x + 21, ठीक है ना। तो प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है ना। तो इधर जो क्या था, 5x + 21 जो था वो दूसरी की क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। तो x + 21 की क्या हो जाएगी? वो दुगनी हो जाएगी, है ना। देखो, अभी अपन कर देते हैं इसको, है ना। तो आराम से ना, डरना नहीं है, बस समझ समझ के करते चले जाना है ना। तो देखो, पहली संख्या ऐसे लिख लिया मैंने, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। अब ये कह रहा है कि जो एक संख्या अगर x है तो दूसरी जो है उसकी कितनी है? 5 गुनी है। तो ये दूसरी 5x हो गई कि नहीं हो गई?
है ना, या दूसरी संख्या को एक्स मान ली तो पहली संख्या क्या हो गई, पाँच एक्स हो गई। ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको एक्स माना तो ये क्या हो जाएगी, पाँच एक्स हो जाएगी, कैसे भी कर लो, है ना। देखो चलो, इसको आपने एक्स मान लिया तो ये क्या हो गई, पाँच एक्स हो गई, ठीक है ना। तो दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की क्या है, पाँच गुनी है, ठीक है ना, ये हो गया। अब ये क्या कह रहा है, प्रत्येक में 21 जोड़ा, तो इसमें भी 21 जोड़ दिया मैंने और इसमें भी 21 जोड़ दिया मैंने, तो इसमें एक्स प्लस 21 हो गया और ये क्या हो गया, 5x+21 हो गया, ठीक है। दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की पाँच गुनी है, ठीक है ना, और ये कह रहा है दोनों में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दोगुनी हो जाती है ना। देखो ध्यान से सुनो उसको, दो संख्याओं में पहली संख्या, ये जो पहली संख्या है ना, ये दूसरी की पांच गुनी, नहीं बेटा देखो ऐसे ही करना पड़ेगा इसको, कि पहली संख्या दूसरी की कितनी है, पांच गुनी है। देखो दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की पांच गुनी है ना, तो पहली जो संख्या है वो दूसरी की कितनी है, पांच गुनी है, ठीक है। अब ये कह क्या रहा है, दोनों में 21 जोड़ दिया तो ये 21 हो गया और ये भी क्या हो गया, 5x+21 हो गया। तो जोड़ने पर पहली संख्या है ना, तो ये जो पहली संख्या है ना, ये x प्लस जो 21 है ना, ये दूसरी की क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। अब देखो इसकी, ये तो बड़ी संख्या है तो इसकी दोगुनी थोड़ी हो जाएगी ये, है ना। तो देखो थोड़ा सा समझने का है इसको, ऐसे समझो आप इसको, क्या कह रहा है ये, कि ये थोड़ा हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं बेटा, इसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है इनकी, है ना। तो दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की पांच गुनी है, ठीक है ना। तो अगर माना ये एक्स है तो ये क्या हो गई, पांच एक्स हो गई, है ना। तो एक संख्या जो है वो दूसरी की क्या है, पांच गुनी है, ठीक है। अच्छा अब ये कह रहा है दोनों में 21 जोड़ दिया, तो इसमें 21 जोड़ा और इसमें भी क्या जोड़ा, 21 जोड़ा। देखो नेचुरली ये इसकी पांच गुनी, तो ये बड़ी होगी कि नहीं होगी, है ना, ऐसे समझ लो आप इसको, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती, तो ये जो होगी ये इसकी दुगुनी होगी, है ना। तो 5x+21 बराबर क्या हो जाएगी, 2x+21, इसकी क्या हो गई, ये दुगनी हो गई, ठीक है। तो ये हो गया 5x+21 बराबर 2x+42, पक्षांतरण कर दिया, 5x-2x बराबर 42-21, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3x+21, तो x बराबर आ गया 21/3 = 7, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 7 आ गया। तो अगर ये 7 है तो ये कितनी हो गई, 35 हो गई, 7 × 5 = 35, ठीक है। इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। तो क्या पूछ रहा था, संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो एक संख्या 7 हो गई तो दूसरी कितनी हो गई, 35 हो गई, ठीक है। तो प्रथम संख्या 7 है तो दूसरी कितनी है, 5x, तो 5 × 7 = 35 ना। बहुत आसान आसान प्रश्न है, छोटे 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 छोटे, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो क्या कह रहा है प्रश्न नंबर संख्या 3 में, दो अंकों वाली दी गई संख्या, दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है ना। तो ये कह रहा है दो अंक वाली एक संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है ना। तो देखो ऐसे समझो, माना कि एक का एक अंक जो है उसका 2 है, तो दूसरा कितना होगा, 7 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना कह रहा है, ये 9 कह रहा है ना। तो अगर एक एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 9 - x हो गया कि नहीं हो गया, दूसरा क्या हो गया, 9 - x हो गया। फिर ये कह रहा है इस संख्या के अंकों का अगर हम स्थान बदल दें तो वो जो प्राप्त संख्या प्राप्त होती है वो दी गई संख्या से 27 अधिक है ना। तो देखो बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं हम, तो ये इसमें देखो इकाई और दहाई से कर चलेंगे हम, है ना। तो इधर जो होता है वो इकाई का अंक होता है ना, और इधर जो होता है वो किसका होता है, दहाई का अंक होता है। तो इसको मैंने अगर x मान लूं तो ये 9 - x हो जाएगा ना, क्योंकि इन दोनों का योग कितना कह रहा है, ये 9 है ना। अब इसका मान क्या हो गया, इसका मान हो गया कि ये x को तो किससे गुणा करेंगे, 1 से प्लस, और ये जो दहाई का अंक है इसको किससे गुणा करते हैं, 9 - x किससे करेंगे, हम 10 से करेंगे। तो ये इसका मान निकल जाएगा, इस संख्या का क्या हो गया, ये मान हो गया, क्योंकि जैसे
34 है, तो 34 में 4 जो है वो इकाई का अंक है और 3 जो है वो दहाई का अंक है, तो 4 को तो 1 से गुणा करते हैं और 3 को 10 से गुणा करते हैं, तभी तो 30 और 4 34 बनते हैं। तो इसको किया तो देखो ये क्या हो गया, 90 माइनस 10x प्लस एक्स, तो ये हो गया 90 माइनस 9x, तो क्या बन गई ये संख्या, 90 माइनस 9x बन गई। अब ये कह रहा है कि इसका अगर हम स्थान बदल दें, इसको x कर दें और इसको 9 माइनस एक्स कर दें, यानी ये अब इकाई का अंक बन गया और ये क्या बन गया, दहाई का अंक बन गया। तो अब इसका मान क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स को तो 1 से गुणा करेंगे और x को किससे करेंगे, 10 से करेंगे, तो ये हो गया 10x प्लस 9 माइनस एक्स, तो ये हो गया 9x प्लस 9, ठीक है ना, इसको सरल कर दिया मैंने 9x प्लस 9। तो कह क्या रहा है प्रश्न में कि इस संख्या के अगर अंकों का स्थान बदल दें तो जो संख्या मिलती है हमको, तो ये संख्या मिली ना 9x प्लस 9 मिली अंकों का स्थान बदलने पर, ये दी गई संख्या, तो ये दी गई संख्या का मान है ना 90 माइनस 9x, दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो इससे कितनी अधिक है, ये 27 अधिक, इससे 27 अधिक है। तो जिस से पूछ रहा होता है, कहता है या का कहता है, से है ना या का, उसमें जुड़ते घटते गुणा होते हैं, ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करनी, बस प्रश्न करते चलो, सब समझ में आ जाएगा आपके, है ना। तो ये हो गया 9x प्लस 9 है ना, और ये हो गया 90 माइनस 9x प्लस 27, पक्षांतरण कर दिया मैंने, तो 9x माइनस के 9x इधर आके किसके हो गए, प्लस के 9x, इधर 90 प्लस 27 तो ऑलरेडी है, प्लस के 9 इधर आके किसके हो गए, माइनस के 9 हो गए, ठीक है ना। तो इधर तो हो गया ये 18x, और देखो ये हो गए 7 और 9 और 2 11 माइनस 9, तो 117 में से 9 घटाओगे तो 100 कितने बच गए, 8 बच गए, है ना, और ये 18x बराबर क्या आ गया, 108, तो x बराबर क्या आ गया, 108 बटे 18, तो ये आ गया 6, ठीक है, तो x इक्वल टू आ गया 6, है ना। तो देखो इकाई का अंक क्या हो गया, 6 हो गया, है ना, तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 इक्वल टू 3, तो 36 हो गई ये संख्या, क्या हो गई ये संख्या, 36, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब हम, चौथे प्रश्न भी इसी तरह का है, देखो क्या कह रहा है ये, दो अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, जो एक अंक है वो दूसरे का क्या है, 3 गुना है ना, तो एक अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कह रहा है इसके अंकों का स्थान बदलकर जो संख्या प्राप्त होती है वो दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, तो दी गई संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो बेटा आप जब इन प्रश्नों को करो तो अपनी बुक लेके बैठना इस वीडियो को देखते समय, है ना। तो पहला क्या कह रहा है, ये दो अंकों वाली एक संख्या है ना, तो इसका ये माना प्रथम अंक है ना, वो इकाई, ये इधर की तरफ किसका होता है, इकाई का अंक होता है, और इधर की तरफ किसका होता है, दहाई का अंक होता है ना। तो अगर ये एक्स है, ठीक है, दो अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है ना, तो ये एक्स है तो ये कितना है, मान लिया मैंने 3x है, ये एक अंक क्या कह रहा है, दूसरे का कितना है, 3 गुना है ना। अब इसके अंकों का स्थान बदलकर जो प्राप्त संख्या, तो अब इसका मान कितना है, देखो अभी जब ये x है और ये 3x है तो इसका मान कितना है, देखो x को तो 1 से गुणा करेंगे और 3x को किससे करेंगे, 10 से करेंगे, क्योंकि ये दहाई है और ये इकाई है, तो ये हो गया 30x प्लस x इक्वल टू कितना हो गया, 31x। अब इनका स्थान बदल दिया, ये x हो गया और ये क्या हो गया, 3x हो गया, तो अब इसका मान कितना हो जाएगा, 3x को तो 1 से गुणा करूंगा, ओ सॉरी, 3x को तो किससे गुणा करूंगा, 1 से करूंगा, और x को किससे करूंगा, 10 से करूंगा, ठीक है, तो ये हो गया 10x प्लस 3x, तो क्या हो गया, 13x, है ना। अब ये क्या कह रहा है, जो मूल संख्या थी वो और जो इनका स्थान बदलने के प्राप्त जो संख्या हमको प्राप्त हुई, उन दोनों को अगर जोड़ दो 88 मिल जाता है हमको, तो 31x प्लस 13x इक्वल टू 88, तो देखो ये 4 और ये 44x इक्वल टू 88, तो x इक्वल टू 88 बटे 44 बराबर 2, तो x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, तो ये संख्या 2 हो गई और ये संख्या 6 हो गई, है ना, तो ये कितना हो गया, 62, ठीक है ना। और अगर इसको x लोगे
इसको 3x लोगे तो ये कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। तो ये 62 भी हो सकती है और 26 भी हो सकती है। ठीक है, ये आंसर आपका हो गया। अच्छा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत छोटा सा प्रश्न है, आसान सा। ये कह रहा है देखो, शोबो की माँ की आयु शोबो की आयु की 6 गुनी है। तो दो लोग हैं इसमें, एक शोबो की माँ है और एक शोबो है। तो ये कह रहा है शोबो की माँ की आयु जो है शोबो की आयु की कितनी है, 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद दोनों की में 5-5 जुड़ जाएगा ना, है ना। और फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद जो शोबो की माँ की जो आयु है, शोबो की जो आयु है वो उसकी माँ की आयु की 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है। तो उनकी आयु पूछ रहा है, वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो दो लोग हैं इसमें, एक है शोबो की माँ और एक है शोबो। ठीक है, मैं ऐसा लिख लेता हूँ इसको, शोबो की माँ और शोबो। ठीक है, पहली चीज़ तो इसने क्या दे रखा है, शोबो की माँ की आयु शोबो की आयु की 6 गुनी है। तो अगर देखो इसकी एक्स है तो इसकी 6x हो गई कि नहीं हो गई, क्योंकि इसकी कितनी गुनी है, 6 गुनी है। ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद, है ना। देखो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 6x+5 और इसकी हो जाएगी x+5। ये कब हुई, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद ये कह रहा है कि जो शोबो की आयु है वो अपनी माँ की आयु की 1/3 हो जाएगी। तो यानी ये जो है वो इसका 1/3 है, है ना। तो देखो जिसके आगे का लगता है, के लगता है या से लगता है, उसमें जुड़ती घटती और भाग लगती हैं चीज़ें। तो ये कह रहा है शोबो की आयु उसकी माँ की आयु की 1/3। तो की किसके लग रहा है, शोबो की माँ के, तो इसको 1/3 करेंगे। यानी ये जो x प्लस 5 है ये अपनी शोबो की माँ की आयु का कितना हो गया, 1/3 हो गया। ठीक है ना, ये एक समीकरण बन गया आपके पास। तो ये मैंने हो गया x प्लस 5 बराबर हो गया 6x+5/3। इसके नीचे एक रख लिया, वज गुणा कर दिया, तो देखो 3 का गुणा हो जाएगा x प्लस 5 के साथ, है ना। 3 का गुणा हुआ x प्लस 5 के साथ और 6x+5 का गुणा 1 के साथ। तो ये हो गया 3x+15 और इधर हो जाएगा 6x+5, है ना। पक्षांतर कर दिया मैंने, तो 3x प्लस के 6x इधर आके माइनस के 6x हो गए 5 और इधर क्या हो गए, माइनस के 15, है ना। देखो प्लस के 3x और माइनस के 6x क्या हो गए, माइनस के 3x। और प्लस के 5 और माइनस के 15, है ना, कितना हो गया ये, माइनस के 10। ठीक है, नहीं इसमें कुछ गड़बड़ कर दी हमने। देखो एक बार मैं दोबारा पढ़ता हूँ, शोबो की माँ की आयु शोबो की आयु की 6 गुनी है ना। तो ये एक्स है तो ये कितनी हो गई, 6x हो गई। ठीक है, 5 वर्ष बाद शोबो की आयु उसकी माँ की, अच्छा वर्तमान आयु की, ओहो यहाँ गलती कर दी मैंने, है ना। देखो सॉरी, 5 वर्ष बाद, है ना, ये कह रहा है 5 वर्ष बाद शोबो की जो आयु है, तो इसकी आयु तो कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 5 हो गई, है ना। शोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की, तो माँ की वर्तमान आयु तो 6x ही है, है ना। तो ये जो x प्लस 5 है, ये जो इसकी वर्तमान आयु है इसकी कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो ये हो गया x प्लस 5 बराबर ये हो गया 2x, है ना। 3 से 2 बार कट गया, तो देखो इसको पक्षांतरण कर दिया मैंने, ऐसे भी ले जा सकते हो आप, है ना। 2x माइनस x और इधर की तरफ क्या है, 5, तो इधर हो गया x x इक्वल टू 5। तो शोबो की उम्र तो कितनी हो गई, 5 वर्ष, और इसकी माँ की कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष, है ना। तो शोबो 5 वर्ष और माँ की कितनी हो गई, 5 की 30, 5 × 6 = हो गई 30 वर्ष। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि कह क्या रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या कह रहा है ये, महुली गांव में एक
तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है ना, सकड़ा है वो, है ना, इसकी लंबाई ज्यादा हो और चौड़ाई क्या हो, कम हो, है ना, इस तरह का क्या है, एक आयताकार भूखंड है, ठीक है ना, प्लॉट है, और वो स्कूल बनाने के लिए रिजर्व है वो। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 11:4 में दे रखी है, लंबाई 11 अनुपात और चौड़ाई 4 अनुपात है। ग्राम पंचायत को इस भूखंड की बाड़ फेंस कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से, चारों तरफ जब उसके फेंसिंग करेंगे, है ना, तो 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये खर्च होंगे, है ना। तो भूखंड की माप पूछ रहा है, क्या डायमेंशन है, उसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, तो बहुत आसान प्रश्न है। तो देखो मैंने पहले ये चित्र बना लिया, माना ये एक आयताकार भूखंड है इस तरह का, ठीक है ना, तो इसकी ये क्या है, लंबाई है, और ये क्या है, इसकी चौड़ाई है। तो इसमें देखो अनुपात दे रखा है इसने, लंबाई अनुपात चौड़ाई 11:4, है ना, तो इसको मैंने 11x मान लिया और इसको मैंने 4x मान लिया, ठीक है। अनुपात जो होते हैं ना उनको x से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि ये x गुना बढ़ेगा तो ये भी x गुना बढ़, जैसे माना ये दुगना हुआ तो ये 8 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, तो x बराबर 2 आ गया कि नहीं आ गया, तो 4 × 8 और 11 × 22। अगर x बराबर 3 होगा तो ये 3 गुना हो जाएगा, तो 4 × 3 = 12, और ये हो जाएगा 33, इसलिए x से गुणा इनको हम कर सकते हैं। अब ये 11x और ये भी 11x, ये 4x और ये भी 4x, देखो ये लंबाई 11 है तो ये भी 11 हो गई, ये चौड़ाई 4 है तो ये भी चौड़ाई क्या हो गई, 4 हो गई। अब इसकी बाड़ जो लगेगी, फेंसिंग जो होगी, देखो 11x ये हो जाएगी, 4x ये हो जाएगी, 11x ये हो जाएगी, 4x हो जाएगी, तो इसकी जो फेंस की लंबाई हो गई वो कितनी हो गई, 11x प्लस 4x फिर 11x फिर 4x, है ना, तो 11 × 4 = 15 और 15 = 30x हो गई, है ना। अब ये कह रहा है कि इस 30x लंबाई पे कितने रुपए के हिसाब से, 100 रुपये प्रति मीटर की दर से, है ना, कितने रुपए का खर्चा आ रहा है, 75,000 रुपये का खर्चा आ रहा है, है ना। तो देखो x बराबर क्या आ जाएगा, 75,000 में कितने का, 30 × 100 का क्या लग गया, भाग लगे, इसके नीचे आ जाएगा ना, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो 75/30 कितना आ गया, 25 आ गया, तो x बराबर क्या आ गया, 25, है ना। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या आ गई, लंबाई तो है 11x, तो 11 × 25, ठीक है, तो 11 × 25 करोगे तो 11×55 हासिल की 5, 11 × 22 और 5 = 27, 275 मीटर। चौड़ाई कितनी है इसकी, 4x, तो 4×25 बराबर आ गई 100 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए, हसन कोई टेलर है ना, जैसे चित्र भी बना रहा है, इसमें चित्र बना हुआ है, टेलर है ये, है ना, ये स्कूल ड्रेस बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े यानी शर्ट की जो कपड़ा है उसका भाव तो है 50 रुपये प्रति मीटर, और जो पतलून का कपड़ा है, पैंट का जो कपड़ा है, उसका भाव है 90 रुपये प्रति मीटर, ठीक है। वो है कमीज के लिए 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। अगर माना शर्ट के लिए 3 मीटर खरीद रहा है तो पैंट के लिए कितना खरीद रहा है, 2 मीटर, यानी एक शर्ट के लिए अगर 3 मीटर कपड़ा शर्ट का खरीद रहा है तो पैंट का कितना खरीदेगा, 2 मीटर, नहीं एक शर्ट का के लिए 3 मीटर खरीदना पड़ रहा है, एक पैंट के लिए उसको 2 मीटर खरीदना पड़ रहा है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा, पैंट के लिए कितना कपड़ा खरीदा, बहुत आसान प्रश्न है, देखो अभी कर लेते हैं। तो दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो है शर्ट और एक है पैंट, है ना, तो ये मैंने लिख लिया शर्ट और ये है पैंट, ठीक है, PANT होती है, PENT होती है, पता नहीं PENT कर देता हूँ, चलो, है ना। अच्छा अब देखो इनमें क्या कह रहा है कि अगर शर्ट के लिए वो 3 खरीदता है तो इसके लिए कितना खरीदता है, 2 खरीदता है, तो इसको मैंने लिख लिया 3x और इसको मैंने लिख लिया 2x, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसका भाव है शर्ट के कपड़े का 50 रुपये, है ना, तो 3x × 50 हो गया, और इसका भाव क्या है, 90 रुपये, तो 2x × 90 हो गया, ठीक है। अब इसको तो बेचता है वो किसने परसेंट के साथ, 12% के साथ,
और इसको बेचता है वो किसके साथ, 10% के साथ, ठीक है ना। फिर उसको लाभ जो होता है वो कितना होता है, 36,600 रुपये लाभ होता है ना। अब देखो कि ये कितना हो गया, 150x हो गया, 50 को 3 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 150x, और ये कितना हो गया, 180x। अब इस पे 12% लाभ कितना हो गया, है ना, कि 150 का 12%, है ना, तो वो क्या हुआ, लाभ हुआ। और उसमें क्रय मूल्य जोड़ देंगे हम तो क्या मिल जाएगा, वो विक्रय मूल्य मिल जाएगा हमको, है ना। तो एक तरह से ऐसे समझो आप, 150x गुणा 1.12, है ना, 112/100, है ना, ये प्लस ये कितना है, 180x इंटू 110, यानी 1.10, 1.10, ठीक है ना। और ये जो है कितना दे रखा है इसने, 36,600, 36,600 रुपये उसको लाभ पर बेचकर इतने रुपए प्राप्त करता है वो, ठीक है ना, इतने रुपए उसको मिल रहे हैं, है ना। अब देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 150x गुणा 112/100 प्लस, है ना, 180x गुणा 110/100, है ना, क्योंकि ये 12% लाभ है और इसका कितना है, 10% लाभ है, ठीक है ना। और ये कितना है, 36,600, ठीक है ना। अब देखो ये हो जाएगा 150x गुणा 112/100 प्लस 180x गुणा 110/100 बराबर हो गया 36,600, है ना। अब देखो ये 100 इधर की तरफ गुणा हो जाएगा ना, इसमें ऐसे कर लो, ये लघुत्तम आ गया मैंने 100, तो ये हो गया 150x गुणा 112, है ना, 150x गुणा, ये जब 112 करेंगे तो ये आ जाएगा 16,800x, 16,800x। और 180 को जब 10 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 19,800x, है ना, बराबर क्या हो गया, 36,600। बस सिंपल गुणा भाग करने हैं, है ना। अच्छा अब इन सब को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 36,600x बटे 100 बराबर 36,600/1। अब वज गुणा कर दिया मैंने तो 36,600x बराबर हो गया 36,600 गुणा 100, तो x बराबर क्या आ जाएगा, इसमें इसका भाग लग जाएगा ना, 36,600 गुणा 100/36,600। देखो 36,600 तो x बराबर कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है ना, x बराबर क्या निकल के आ गया, 100 निकल के आ गया, ठीक है ना। अब ये क्या पूछ रहा है कि पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा उसने, तो पतलून के लिए 2x खरीदा था ना, पतलून के लिए कपड़ा कितना है, 2x, तो 2 गुणा 100, तो कितना हो गया, 200 मीटर, है ना। अच्छा अब आप देखो कि ये जो आपको मुझे लग रहा है इसको समझने में थोड़ा कष्ट हो रहा होगा कि ये एक 1.12 कैसे आ गया, है ना। तो ऐसे समझो आप, जैसे कोई चीज़ एक्स है ना, और इसको मैं 12% लाभ के साथ बेचूं तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, है ना, तो ये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, है ना, और लाभ कितना हो गया, एक्स का 12%, है ना, तो ये हो गया एक्स गुणा 12/100, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये क्रय मूल्य है और ये लाभ है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 12x/100, है ना। इसके नीचे एक कर लिया, 100 लघुत्तम आ गया, है ना, तो क्या आ गया, देखो ये हो जाएगा 100x+12x, क्या आ गया, 112x/100, कोई किया ना मैंने, देख लो 112x/100, ठीक है ना। तो इस तरह से, और 10% से है तो वो हो जाएगा 110/100 हो जाएगा। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आठवें प्रश्न में क्या कह रहा है, देखो बहुत आसान प्रश्न है।
हिरणों के एक झुंड का आधा भाग, मजेदार प्रश्न है देखो इसको, है ना, हिरणों का एक झुंड है उसका आधा भाग मैदान में चल रहा है ना, और शेष का तीन चौथाई पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। अब ऐसे समझो आप, टोटल माना हिरण एक्स हैं, है ना। अब उसमें से ये कह रहा है आधा भाग मैदान में चल रहा है, तो एक्स टोटल हैं, तो आधा कितना हो गया, एक्स बटे दो हो गया। तो एक्स बटे दो हिरण क्या कर रहे हैं, मैदान में चल रहे हैं। शेष का तीन चौथाई, अब शेष कितने बचे, तो x का आधा x बटा दो होता है, तो वही x में से जब x बटा दो घटाओगे तो x बटा दो ही आएगा। अब उस x बटा दो का जो तीन चौथाई भाग है वो पड़ोस में खेल कूद कर रहा है, तो x बटा दो का तीन चौथाई कितना हो जाएगा, x बटा दो गुणा तीन बटे चार, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहा है, पड़ोस में खेल कूद कर रहा है ना। अब ये कह रहा है शेष बचे 9 हिरण, अब शेष कितने बचेंगे, x में से x बटा दो घटा दिया और x बटा दो का जो तीन बटा चार था, तीन चौथाई, वो घटा दिया, तो वो कितना दे रखा है आपको, 9 दे रखा है ना। देखो अभी अपन करेंगे तो बिल्कुल समझ में आपके आ जाएगा, मैं बहुत आराम से समझाऊंगा आपको, है ना। देखो ये क्या कह रहा है, हिरणों का एक झुंड है, माना टोटल कुल हिरण आपके एक्स हैं, है ना। अब आधा भाग क्या चल रहा है, मैदान में चल रहा है, तो मैदान में चरने वाले हिरण कितना है, x बटा दो। अब कह रहा है शेष हिरणों का तीन चौथाई, तो पहले शेष हिरण निकालूंगा मैं, तो शेष हिरण कितने हो गए, x में से x बटा दो घटाऊंगा तो x बटा दो ही आएगा। अब इसका तीन बटा चार वो क्या कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, पड़ोस में खेल कूद कर रहे हैं, वो पड़ोस में खेल कूद करने वाले हिरण, है ना, वो कितने हैं, इस x बटा दो का तीन बटा चार, तो ये क्या आ गया, तीन एक्स बटे आठ आ गया। गुणा कर लिया, अंश को अंश से कर दिया, हर को हर से कर दिया, तीन एक्स बटे आठ आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है शेष बचे हिरण, है ना, तो शेष कितने बचेंगे, देखो टोटल कितने थे, x थे, x में से x बटा दो तो क्या कर रहे हैं, मैदान में चल रहे हैं, और 3x बटे 8 क्या कर रहे हैं, पास में ही खेल कूद कर रहे हैं, तो बचे कितने, x में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे ना, x में से x बटा दो को और 3x बटे 8 को जोड़ के घटा देंगे, है ना। तो ऐसे समझो, माना ये 100 हिरण है, 100 में से 30 जो है वो क्या कर रहे हैं, मैदान में चल रहे हैं, 50 जो है वो क्या कर रहे हैं, पास में ही खेल कूद कर रहे हैं, तो 30 और 50 80, तो शेष कितने बचेंगे, 100 में से 80 घटाओगे ना, तो इन दोनों को जोड़ के घटाया हमने, तो वही किया मैंने, तो ये क्या कह रहा है, शेष बचे जो हिरण हैं, तो शेष कितने बचेंगे, शेष हो जाएंगे x में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, x प्लस दो और 3x बटे 8, तो x माइनस 8 लघुत्तम आ गया, 2 का भाग दिया 4 बार, 4x प्लस 3x, तो ये हो गया x माइनस 7x बटे 8, इसमें लघुत्तम ले लिया 8 आ गया, तो ये हो गया 8x माइनस 7x, ये आ गया x बटे 8, तो x बटे 8 हिरण हो गए ये, और इनका मान कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, कि ये 9 हैं, ये शेष हिरण कितने दे रखे हैं, उसने 9 दे रखे हैं, कि शेष बचे 9 हिरण तालाब में क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो x बटे 8 बराबर क्या दे रखा है, 9, ये क्या है, पानी पीने वाले हिरण हैं, ठीक है। इसके नीचे एक रख लिया, वज्र गुणा कर दिया, x गुणा 1 बराबर क्या हो गया, 8, तो x बराबर 9 8 72, ठीक है। तो टोटल कितने हिरण हैं, 72 हिरण हैं। अब अपन नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं, बहुत छोटा सा प्रश्न है, दादाजी और पोते जी का। देखो दादाजी की आयु अपनी, अच्छा पोती है, पोता नहीं है, पोती है ना,
दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। तो पौत्री की अगर मैं एक्स मान लूँ, दादा की दादाजी की 10 एक्स हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्यों, 10 गुनी है उसकी। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है ना, यदि दादाजी की आयु जो है वो पौत्री की आयु से कितनी अधिक है, 54 अधिक है, तो जो 10 एक्स है वो एक्स से कितनी अधिक है, 54 अधिक है, तो दोनों की आयु ज्ञात करवाना चाह रहे हैं ना। देखो कितना छोटा सा प्रश्न है ना। तो देखो दो लोग हैं इसमें, एक तो है दादाजी और एक है पौत्री जी, है ना, दादाजी और पौत्री जी, ठीक है ना, पौत्री है ना। तो अगर मैं पौत्री की एक्स मान लूँ तो दादाजी की कितनी है, 10 एक्स है, 10 गुणा x, कह रहा है ये 10 गुनी है, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। अब ये कह रहा है यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, तो उनकी का मतलब क्या है, दादाजी की, तो ये जो दादाजी की उम्र है ये पौत्री की उम्र से 54 अधिक है, तो पौत्री की उम्र से, तो मैंने बताया ना जिसके जिसके आगे से लगे या का लगे उसमें जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग देते हैं, जो भी कह रहा है वो, है ना। तो दादाजी की आयु पौत्री की आयु से कितनी अधिक है, 54 अधिक है ना। तो ये कह रहा है 10 एक्स जो है वो एक्स से 54 अधिक है। पक्षांतरण कर दो, 10x-x=54, तो ये हो गया 9x=54 हो गया, है ना। तो इसमें 9 × x = 54, तो x बराबर हो गया 54/9, तो 9 × 6=54, तो x बराबर क्या आ गया, 6। तो पोती की उम्र तो हो गई 6 और दादाजी की हो गई 7, है ना, 60। तो पोत्री की उम्र तो कितनी हो गई, 6 वर्ष, और दादाजी 6 × 10 = 60 वर्ष, ठीक है ना। कितना आसान क्वेश्चन है। और अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच गए, देख लो हम लोग। देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन है ना, तो देखो इनको एक दो बार करोगे ना तो आसानी से समझ में आ जाएंगे आपको, है ना, हिम्मत रखनी है। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो इसमें भी वही दो लोग हैं, एक अमन है और एक अमन का पुत्र है, तो अमन की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक है ना। तो ऐसे समझो अगर अमन के पुत्र की आयु x है तो अमन की आयु 3x हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है ना। अब ये कह रहा है 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, 10 वर्ष पहले उसकी आयु है ना पुत्र की आयु की 5 गुना थी, है ना। 10 वर्ष पहले अमन की आयु कितनी हो जाएगी, 3x में से 10 घटा दो, और अमन के बेटे की आयु 10 वर्ष पहले कितनी थी, x में से 10 घटा दो, 3x-10, और वो हो जाएगी x-10। तो अब ये कह रहा है कि अमन की जो आयु थी वो अपने पुत्र की आयु कितनी थी, 5 गुनी थी, उसको 5 से गुणा कर देंगे तो ये समीकरण बन जाएगा और इसको हल कर लेंगे हम, ठीक है। तो देखो इसमें कौन लोग हैं, दो लोग हैं, एक तो अमन है, अमन और अमन का पुत्र, है ना। अब इसमें क्या क्या रहा है, देखो प्रश्न में अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो अगर इसके पुत्र की एक्स है तो इसकी 3 गुनी यानी 3x किसकी हो गई, अमन की हो गई, है ना। अब ये कह रहा है 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व तो कम हो जाएगी ना, तो इसकी कितनी होगी 10 वर्ष पूर्व, 3x में से 10 घटा दो, और इसकी 10 वर्ष पूर्व कितनी होगी, x में से 10 घटा दो, है ना। अब ये कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो उसकी का मतलब क्या है, अमन की आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी थी, 5 गुनी थी, तो 10 वर्ष पूर्व इसकी जो आयु है ये 3x-10, ये अपने पुत्र की आयु की कितनी थी, कि 3 गुनी थी, पुत्र की 3 गुनी, 5 गुनी थी, 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहा है ना। तो ये दोनों की क्या है, वर्तमान आयु है, इसकी 3x है, इसकी क्या है, x है। इसको सॉल्व कर लिया मैंने, 3x-10 = 5x-50, 5 × 10 = 50, पक्षांतरण किया, 3x-5x माइनस के 50 और प्लस के 10, तो ये हो गया देखो -2x = -40, तो x बराबर हो जाएगा -40/-2, माइनस से माइनस कट गया तो क्या आ गया 20, तो x बराबर आ गया 20 वर्ष। तो x किसकी आयु है बताओ, पुत्र की, अमन का पुत्र, और अमन की कितनी हो जाएगी, अमन का
पुत्र कितना है 20 वर्ष का है, और अमन खुद कितना हो गया 20 गुणा 3 तो 60 वर्ष हो गई है ना। देखो अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हो आप, क्या कह रहा है ये, कितने वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पहले। तो देखो इसकी 10 वर्ष पहले कितनी थी 10 हो जाएगी, और इसकी 10 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी, 10 10 घटा दो दोनों में से। तो 10 वर्ष पहले अमन के बेटे की आयु तो कितनी थी 20 में से 10 घटाओ तो 10 वर्ष हो गई, और अमन की 60 में से 10 घटाओ तो 50 हो गई, तो 5 गुनी हो गई, नहीं हो गई ये इसकी 10 और इसकी 50, तो ये 5 गुनी है, तो ये वेरीफाई भी हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपकी ये प्रश्नावली समाप्त हो गई। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रश्नावली अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, है ना। आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। कुछ भी लिखें, बस शॉर्ट मैसेज ज़रूर लिखें, ठीक है ना बच्चों। और मेरे इंग्लिश के, साइंस के वीडियोस देखने के लिए, रेगुलर अपडेट्स के लिए आप, है ना, बेल जो आइकन है उसको प्रेस करें, ठीक है, तो आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।